हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डे स्टडी। कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे तो होंगे, बट फीलिंग्स जो है वो अच्छी नहीं आ रही होगी आपकी, बिकॉज आपको जो है आपका रिजल्ट तो पता चल गया, लेकिन आपका मार्क्स और कट ऑफ कुछ भी पता नहीं चल पाया इसलिए, ठीक है। सो इसका कुछ जो है आप प्रॉब्लम जो है शेयर कर रहे थे मेरे से, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज कुछ ज़्यादा बात करने वाला हूँ आप लोगों से। 10 मिनट की वीडियो होगी, कम्प्लीट देखना, कहीं भी आपको मिस नहीं करना होगा, ठीक है। इसमें कहीं की बातें, एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं आपके काम लायक होंगे, है ना। तो सबसे पहले उन लोगों की क्वेरी मैं सुन लूँ कि जो लोग बोल रहे कि सर लॉगिन नहीं हो पा रहा, हमारा रिजल्ट नहीं देख पा रहे, इरर बता रहा है, ठीक है। इरर बता रहा है, मोबाइल से इरर बता रहा होगा। आप लोग जो है उसको सीक्रेट पासवर्ड करके जो है पासवर्ड चेंज नहीं हो पा रहे, तो वो सभी चीज़ें कैफ़े में जाके कराऊँ अच्छे होंगे, बिकॉज डेस्कटॉप में अच्छी तरीके से काम करती हैं। मोबाइल में आप लोग डेस्कटॉप वर्जन में यूज़ करते हो ना, तो भी नहीं खुल पा रही है। जाओ एक बार, आप लोग जो है ना चेंज करना होगा पासवर्ड भी, या फिर जो भी करना है आप लोग कैफ़े से कराओ, रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर पासवर्ड भूल भी गए होगे तो हो जाएगा। अगर पासवर्ड सब कुछ सही है, आपने एडमिट कार्ड पिछली बार ऐसे ही डाउनलोड किया था फिर भी मोबाइल से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अभी आप कैफ़े में ही जाओ, आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो, सॉरी फेज़ टू का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, या फिर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, मतलब शॉर्टलिस्टेड हो या नहीं हो। तो गाइस यहाँ पे हम दो तीन चीज़ बात करने वाले हैं। पहले क्या कट ऑफ जो है आप लोग सुन रहे हो कि ग्रुप वाई की 40 और ग्रुप एक्स की जो है 58 गई है, तो ये क्या सही है कि गलत, मैं प्रूफ भी बताने वाला हूँ यहाँ पे, और ये एग्ज़ाम और ये क्या स्कैम है कि क्या है, ये सभी चीज़ों पे आज हम बात कर लेंगे। एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का रिजल्ट जो है ये ठीक तरीके से अभी शो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये फाइनली कब पता चलेगा, मैं वो भी अभी बात करने वाला इस वीडियो में। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है प्रद्युत मंडल का ये जो आपका रिजल्ट, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप में पब्लिकली शेयर किया था, इसलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग पहला बात तो ये बोल रहे हो कि सर जो रजिस्ट्रेशन नंबर 1903 से है उनका सिर्फ रिजल्ट आया है, इस तरीके से कुछ लोग बोल रहे थे, 1930 करके कुछ बोल रहे थे, सिर्फ रिजल्ट उन्हीं का आया है। लेकिन यहाँ पे देखो 1990 है, ठीक है, फिर भी ये जो कैंडिडेट है शॉर्ट लिस्टेड हैं, ठीक है। ये जो है वाई ग्रुप के लिए इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और वाई ग्रुप से शॉर्ट लिस्टेड है, इन्होंने एक्स ग्रुप के लिए नहीं दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स तो शो नहीं कर रहे, अभी यहाँ पे मार्क्स के रिगार्डिंग में बात करूँगा। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोग बोल रहे कि सर एक्स और वाई का दोनों मैंने यहाँ पे दिया था, लेकिन एक्स में लिख रहा है नॉट शॉर्ट लिस्टेड और वाई में लिख रहा है शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट जो है वाई ग्रुप से हो गया और आप फेज़ टू दोगे, ठीक है। बिकॉज आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जिसका भी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड फेज़ टू एडमिट कार्ड, चाहे आप एक्स ग्रुप से शॉर्ट लिस्टेड हो या फिर वाई ग्रुप से शॉर्ट लिस्टेड हो, तो वो फेज़ टू देंगे और एक्स और वाई ग्रुप दोनों का ही क्या होगा भाई, वहाँ पे जिससे भी आप पास किए हो आपका फेज़ टू होगा, ठीक है। ये बात तो आपका अलग से रहा। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हो सर यहाँ पे मार्क्स नहीं शो कर रहा है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ को डिस्कस किया था कि यहाँ पे सब सब लिखा हुआ है, इंडिविजुअल रिजल्ट एंड कट ऑफ विल बी कम्युनिकेटेड एट लेटर स्टेज थ्रू ईमेल, मतलब जो आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका जो है इंडिविजुअल, मतलब हर कोई का जो है आपका मार्क्स पता चल जाएगा कि आप लोग जो शॉर्टलिस्टेड हुए वो भी, और शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए उनका भी जो है मार्क्स कितना आया है और मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या था या फिर कट ऑफ किया जाएगा। तो अभी हम इसको रिलेट कर रहे हैं स्कैम से, क्या ये स्कैम हो सकता है? तो बिल्कुल भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं स्कैम का एक पार्ट ही है। मतलब क्या ज़रूरी था अभी रिजल्ट देने का, री एग्ज़ाम के बाद भी तो दे सकते थे ना। तो अगर ये स्कैम होगा तो री एग्ज़ाम तक हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद जब तक खुलेआम हमें पता चल जाएगा कि ये स्कैम ही है, तो अभी हम 100% नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मुझे या फिर आपको भी लग रहा है ये क्या 50% डाउट हो रहा है हमें कि स्कैम की तरफ कहीं ना कहीं ये सब हरकतें इशारा कर रही है, मतलब री एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट देना। कोई बात नहीं, स्कैम हुआ भी तो हम इसके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर उठाएंगे, लेकिन अभी नहीं, री एग्ज़ाम के बाद। मैं और भी यूट्यूबर्स या फिर और वो लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इसके अगेंस्ट जो है हम प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं, अभी री एग्ज़ाम का रिजल्ट देख लेंगे तब। बिकॉज पहले ही जब तक कुछ भी क्लियर ना हो, कुछ भी हमें बताया ना गया हो, तो फिर कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए, है ना। तो अभी हम बात कर लेंगे कि आपका कब भाई दिखेगा, ये आपका दिखेगा जब आपका री एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका जो है सभी कुछ यहाँ पर क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ क्लियर हो गया आपका, कि आपको जो है 90 करके जो 30 वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब र्यूमर्स है। और दूसरी बात ये कि किसी को पर्सनली मेल करके कट ऑफ बताया गया है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ पे जो कि आप लोग सुन रहे हो कि देखो ये एक्स नहीं बल्कि वाई ग्रुप का बोल रहे हैं, कुछ लोग 40 गया है और एक्स ग्रुप का 58 गया है, बोल रहे हैं कि मुझे पर्सनली मेल करके, अभी आप कम्युनिटी टैब में भी देख लेना, ऐसे मैसेज पड़े होंगे वहाँ पर, लोगों का कॉमेंट पड़ा हुआ है
कि मुझे मेल आया था वाई ग्रुप का 40 और एक्स ग्रुप का कट ऑफ जो 58 है। तो पहली बात तो ये कि किसी को मेल वेले कोई भी नहीं आया हुआ है, ये जो कट ऑफ है फालतू का लोग शेयर कर रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं, मतलब अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जो कैंडिडेट, ठीक है, मतलब ये कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप में सबको ये बता रहा था कि मेरा जो खुद का ग्रुप है ए टू जेड स्टडी का, कि भाइयों देखो एक्स ग्रुप का कट ऑफ 58 गया है, 58 गया और वाई ग्रुप का 40 गया। तो मैंने उनसे पर्सनली पूछ लिया कि चलो भाई बता दो, जो आपने मेल जो आपको आया है मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो उसका, तो जो अभी आपको मेल आया कट ऑफ का स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, या फिर उस मेल को या फिर जो PDF वगैरह आया आप मुझे भेजो। तो उन्होंने बोल दिया साहब साहब कि ऐसा कोई मेल नहीं आया है। तो फिर आप जब मेल आया ही नहीं तो आप लोग क्यों रिमर्स फैला रहे हो, ऐसी अफवाह है ना, सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, वो भी गलत मिसलीड कर रहे हो ना एक तरीके से, इस रिमर्स का शिकार हो रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं सारे कैंडिडेट्स जो है अपने में इसको मान लो कि स्कैम अगर नहीं हुआ तो इसको स्कैम से रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि जो लोग शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं उनको अभी कोई मेल आया है और कट ऑफ के बारे में कुछ बताया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, जो शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं, किसी को मार्क्स उनका नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि शॉर्टलिस्टेड है या नहीं, ठीक है। अभी किस आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी री एग्ज़ाम के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो गई यहाँ पे समझो कि ये जो कट ऑफ है बिल्कुल भी फेक है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है, ये जो अफवाह से ज़रा बचना, अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। और जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 40 तो किसी कीमत पे नहीं जानी चाहिए वाई ग्रुप की कट ऑफ, बिकॉज निगेटिव मार्किंग, देखो अगर स्कैम होगा 40 चल जाएगा, अगर 40 कट ऑफ जाता है वाई ग्रुप का तो 110% मैं बोलूँगा कि ये क्या है भाई, स्कैम है, ये स्कैम की वजह से, चीटिंग की वजह से, हैकिंग की वजह से इतना कट ऑफ गया है। अगर ये 40 जाता है कट ऑफ तो, या फिर 40 प्लस जाता है तो, किसी भी कीमत पे 40 तो कट ऑफ जाना नहीं चाहिए, ठीक है, पहली बात ये। और मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही होता है, ये जो नंबर दिख रहा है आपको कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज अभी निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग में और 40 आप लाते हो 90% 80% रिजल्ट लाते हो, मतलब लाना तो सही बात है लेकिन कट ऑफ नहीं आएगा। कट ऑफ 40 कब जाएगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जब 40 प्लस मार्क्स ला देंगे तब तो उतना कट ऑफ जाएगा ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी नहीं जाने वाली है। अभी री एग्ज़ाम हो जाने दो, अब बस ये कमेंट करके बता देना कि किसका किसका री एग्ज़ाम है, लेकिन डेट क्या है री एग्ज़ाम का और कौन कौन से सेंटर्स का, ठीक है, किस किस शिफ्ट में है आप, कौन कौन से सेंटर्स में आप लोग का री एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम देखिए आना तो मुझे क्वेश्चन बताना, ताकि मैं एक वीडियो में बता दूंगा भाई क्या क्या क्वेश्चन आया था री एग्ज़ाम में, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन आया था। अभी डेट बता देना तब तो मैं वेट करूँगा ना, री एग्ज़ाम का डेट क्या है। अब जो देखो स्कैम की ओर इशारा क्यों कर रहे हैं हमें, ये हम बात करेंगे। अगर स्कैम हुआ तो फिर हम क्या उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करेंगे। देखो अगर मैंने दो चीज़ बताया कि अगर कट ऑफ 40 के अराउंड जाता है, ठीक है, 40 या फिर 40 प्लस जाता है, तो 100% मतलब कोई भी डाउट करने वाली चीज़ नहीं कि ये स्कैम नहीं है, मतलब वो स्कैम होगी ही होगी 40 अगर कट ऑफ जाएगा तो, ठीक है। अब दूसरी बात ये 40 मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ ले जाके उन कैंडिडेट्स को पास कराना जो कि चीटिंग करके या फिर धांधली करके घुसे हैं, तो डायरेक्ट ये है क्या 40 या फिर कट ऑफ बढ़ा ही जाएगा बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने का। मतलब अगर जेन्यूनली अगर कट ऑफ निकाला जाए तो अराउंड 35 to 37 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ में एक दो नंबर बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। अगर स्कैम हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, पहली बात तो ये स्कैम हुआ तो हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता आपसे, ठीक है। अभी आगे का क्या प्रोसीजर है हमें शेयर नहीं करना चाहिए ऐसे ही पब्लिकली, लेकिन मैं उस टाइम बताऊंगा, ठीक है। और एक बात, हाँ, अगर स्कैम हुआ तो आप लोग रिक्वेस्ट करना और भी जो भी आप यूट्यूबर्स के फॉलो करते हो, फॉलोअर हो या फिर बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेरे से भी बड़े बहुत सारे अभी हैं, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करके अपील करके हम लोगों को एक बार जुटना होगा, बिकॉज आप लोगों का कैरियर बनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अब जब हम आपका हेल्प कर रहे हैं तो इसमें भी हमें साथ देना होगा, ठीक है, बिकॉज आपका कैरियर और आपका लाइफ जो है जब हम बनाने का चांस मतलब कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर बिगाड़ने नहीं देंगे, इतना तो हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, ठीक है। स्कैम हुआ तो आप और हम मिलके इसके अगेंस्ट जो है थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके मतलब प्रोटेस्ट करना ज़रूरी होता है कभी कभार अगर स्कैम हुआ भी तो एक बार, ताकि अगली बार ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर इसकी वजह से नेक्स्ट वैकेंसी पे भी क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी मतलब फेज़ टू जो आपका होगा, फेज़ टू का डेट तो मुझे पता नहीं है कि आपका फेज़ टू कब है, फेज़ टू बता देना जो लोग शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, ठीक है, कि उनका कब से स्टार्ट हो जा रहा है। री एग्ज़ाम हो लेगा तो बाद में होगा फेज टू। अभी स्कैम जो हुआ है मतलब सॉरी ये जो हम बात करें कि नेक्स्ट वैकेंसी पे, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो होगी थोड़ी सी डिले ज़रूर हो जानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर जिस तरीके से देखो यहाँ पे दो चीज़ नेक्स्ट वैकेंसी के लिए निकलता है, या तो आपका दिसंबर में नेक्स्ट वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है, या फिर लास्ट दिसंबर तक अगर आ जाता है तो अपना सब कुछ टाइम पे अपना होगा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। सो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए जो लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए
प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, वेट मत करो किस चीज़ का कि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हम अब से करेंगे तब से, ठीक है। चलो यहीं तक हम बस, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा इसमें, शेयर करूँगा, इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड कर देते हैं। और हाँ, स्कैम अगर हुआ भी है तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, जो लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं हुए हैं वो लोग कहीं और माइंड लगाने की अपेक्षा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करो। और हाँ, स्कैम हुआ है तो प्रोटेस्ट के लिए भी रेडी रहना, डरना नहीं है, आपकी लाइफ है, आपको मतलब आपका हक छीन के रहना है किसी से भी, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर कुछ भी हो, आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता है, उसके लिए हमेशा रेडी रहा करो, ठीक है। चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाकी आपका प्यार और सपोर्ट के साथ मुझे दिखाते रहना, और इस वीडियो को लाइक करना, चमत करना, शेयर जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर लेना, ठीक है। चलो गुड बाय।